और देख रहे हैं ये नमस्ते भारत दोस्तों, और आज एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे नए ब्लॉग में। और हम कार्यालय पे हैं, देख रहे हैं आप। तो ये हमारी बसंती रेडी हो गई, बढ़िया से साफ सुथरा करके मतलब खड़ा किया इसको। कल रात को बहुत लेट नाइट हो गए थे हम, और इसीलिए एडिटिंग करते करते रात के बज गए थे 3। और आज हम एक नई जगह पे जा रहे हैं। तो ये है हमारे भाई, प्लीज क्या नाम है भाई आपका? अशोक। अशोक भाई, अशोक भाई हमें मिले थे अंजनादी पर्वत पे, और इन्होंने हमें अपने घर पे इनवाइट किया कि आप हमारे गांव आइए। तो लेने भी आए हैं, तो बसंती को हम यहीं छोड़ेंगे और इनके गांव जाएंगे इनकी बाइक से। तो फिर इनका गांव वहाँ दिखाते हैं, और कर्नाटक के लोगों का प्यार जो देख रहे हैं आप, अशोक ये भाई लेने आए हैं, तो इनके गाँव का प्यार भी आज के ब्लॉग में दिखाते हैं। ब्लॉग बहुत शानदार होने वाला है, क्योंकि गाँव का प्यार, गाँव की मिट्टी और देसी खुशबू का एक अलग ही मजा है। तो गाँव के लोगों से मिलेंगे और आपको भी मिलाएंगे। तो हम निकल पड़े हैं गांव के लिए, मरियम नाड़ी गांव कर्नाटक का एक गांव है। नाम लेने में भी मुझे समझ लीजिए इतनी प्रॉब्लम है, तो सोच लीजिए गांव कैसा हो। मिलाते हैं तुम्हें गांव के लोगों से और गांव की देसी खुशबू से और देसी मिट्टी से। पेट की सबसे अच्छी चीज मुझे यही लगी कि आप किसी भी गली में जाइए, पेड़ पौधे भरपूर मिलेंगे, छांव बहुत मिलेगी। तो ग्रीनरी का बहुत ख्याल रखा है कर्नाटक के लोगों ने, तो ये सबसे अच्छी बात है यहाँ। तो दोस्तों वो है चोड़ा त्रासी गुड्डा, अब वो पहाड़ पे है। फिलहाल मैं आपको ऐसे वीडियो में दिखा रहा हूँ, और सामने का व्यू बहुत ही खूबसूरत। वहाँ पे दोस्तों जो पहाड़ दिख रहा है, वहाँ पे कर्नाटक के लोग 15 अगस्त और 26 जनवरी पे फ्लैग होस्टिंग होती है। अब सोचिए इतने ऊंचे पहाड़ पे फ्लैग होस्टिंग होती होगी तो कितना खूबसूरत लगता हो। हम आ गए हैं फिलहाल हाईवे पे, और सामने देखिए खूबसूरत नज़ारा, खूबसूरत पहाड़, और यहाँ पे है बोट। आप पढ़ पाएंगे कौन कौन से रूट कहाँ कहाँ जाते हैं, और फिर से एक और नज़ारा आपके लोगों के लिए। भाई अगर इस स्टेट में अगर आपने जितनी भी खूबसूरती देखी हो, इससे प्यारी खूबसूरती देखी हो, तो बताना, कमेंट्स करके जरूर बताना कि ये खूबसूरती आपको कैसी लगी। अभी तक मैंने बहुत सारी खूबसूरतियाँ दिखाई, फिलहाल ये कैसी लगी? दो हाईवे, दो रोड और सामने ऐसा पहाड़। और दोस्तों फिर से हमें एक सुरंग मिल गई, और अब हम इस सुरंग में एंटर करेंगे। आप ये हाईवे देख रहे हैं, और इस हाईवे पे आपको सामने वो पहाड़ियाँ दिख रही हैं ना, सारी पहाड़ियाँ। वो पहाड़ियों पे जो आपको इधर की साइड देखेंगे तो आपको खुदी हुई पहाड़ियाँ दिखाएंगी। इन पहाड़ियों में आयरन है, ये आयरन की सबसे बड़ी पहाड़ियाँ हैं, और यहाँ पे आयरन निकलता है, और आयरन इन फैक्ट्रियों में जाता है। यहाँ पे एशिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री भी है, और बाकी फैक्ट्रियाँ यहाँ पे हैं कुछ फैक्ट्रियाँ, और वहाँ पे जो दिख रहे हैं माइनिंग हो रही है, वो सारा आयरन इन पहाड़ियों से निकलता है। तो कह सकते हैं कि कर्नाटक आयरन हब है। मतलब ये सारी जो पहाड़ी फैक्ट्रियां आप देख रहे हैं, वो सारी आयरन की ही फैक्ट्रियां हैं। मौसम देख रहे हो कितना भयंकर घने बादल हो रहे हैं। ये है वेलकम टू टाउन पंचायत, आपने देख लिया होगा, और ये गांव का रास्ता। दर्शन भाई, और दर्शन भाई देखो यहाँ पे चाय कैसे बनाते हैं, ये देखो। दर्शन भाई दोबारा से चाय बनाओ, अभी ऐसे किया, ये चाय बनाने का इनका स्टाइल है। ये देखो ऐसे देख रहे हैं, तो इस तरह से दर्शन भाई चाय बना के लोगों को मजे दिलाते हैं। तो फिर दोस्तों ये देखिए, यहाँ पे ये छोटा सा सिटी भी है, सिटी नहीं है मतलब खूबसूरत बाजार है। फिलहाल हमें जाना है इस मंदिर में जहाँ हनुमान जी दिख रहे हैं, आप देख पा रहे होंगे। हनुमान जी की ही मूर्ति है, पत्थर पर है।
गांव की बहुत ही अच्छी खूबसूरती थी। ये सब आपको सिटियों में तो देखने को मिलेगा नहीं। तो फिलहाल तो हम जिस गांव में हैं उसी गांव से गुजर रहे थे, तो ये भी देखने को मिला। और ये महिलाएं देखिए कितनी दूर से कुछ लेके आ रही हैं सब कुछ। यही खूबसूरती है गाँव की। गन्ने की खेती तो दोस्तों इन खूबसूरत रास्तों से गुजर रहे हों और गांव के बीच में खेतों के बीच में एक मंदिर हो तो कितना खूबसूरत लगता है। और ये मौसम का नज़ारा तो एक अलग ही बात। तो फाइनली दोस्तों हम पहुंचे हैं इस खूबसूरत पहाड़ियों को दिखाते हुए आपको। और एक तरफ पहाड़ियां और एक तरफ ये लेक जो कि गाँव का लेक है। और इस लेक पर हम पहुँचे हैं और ये बड़ी खूबसूरत है और यहाँ पर बैठने का एक अलग ही मज़ा है। दोस्तों बादलों का सहारा हो और मौसम ऐसा हमारा हो, साथ में ऐसा नज़ारा हो और पेड़ के नीचे स्टैंड हमारा हो जहां हम बैठे हैं, उसके बाद फिर खूबसूरत ऐसा नज़ारा हो। ये मेरे दोस्त मुझे यहां लेके आए और सामने आयरन की जो पहाड़ियां हैं वो दोस्त तो कूदने चले गए और मैं तो नहीं ज़्यादा कर सकता। सो ये भाई हैं जो कि इंजॉय कर रहे हैं और देख रहे हैं ये स्विमर हैं अच्छे, इसलिए वो ये सब कर रहे हैं। हमारा तुम्हें ये दिखाने का मकसद है कि भाई आप ऐसा कभी किसी को इम्प्रेस करने के चक्कर में ना कूदें। सिर्फ आपको जितना आता है उतना ही करें, किसी और के लिए इम्प्रेस करने के चक्कर में आप ना जाएं। दोस्तों तालाब के साथ साथ एक चीज़ दिखाता हूँ। देखो पहाड़ी एकदम आपको ऐसा लग रहा होगा कि वहाँ पर एकदम मौसम अलग है और बीच में नीचे देखेंगे तो वहाँ पर धूप निकला हुआ है। दिख रहा है जहां उजेला सा है, वाइट वाइट दिख रहा है। तो ये स्मॉल लेक है गांव का जो कि फुल हो रखा है बारिश में। और यहां पे ये लोग देखो वो भाई तो पीछे तैर तैर के आया और स्विमिंग करके आया। सो फिलहाल हम यहां से निकलते हैं और हमें आगे भी जाना है। तो यहां का व्यू थोड़ा सा मैं आपको चारों तरफ से घुमा के दिखा देता हूं। देख रहे हो कितना शानदार व्यू लग रहा है। सामने वो नारियल का पेड़ देख रहे हो, वहाँ से पेड़ से तोड़ के ये भाई भी स्पेशली अपने खेत में बुला के लेके आया मुझे कि भाई नारियल का पानी पिलाता हूँ। और ये देखो हाथ से लकड़ी से ही छेद कर रहे हैं ये लोग और शुद्ध देसी नारियल का पानी आपको पीने के लिए रेडी। यस देखो उसने हाथ से ही, और ये इन्हीं की जमीन है, पूरा गन्ने की खेती हो रखी है। फिलहाल ये नारियल का पानी शुद्ध देसी खेत में। मजा आ गया दोस्तों गांव हो और खेत हो और बीच खेत में अगर आपको ये बैलगाड़ी पे बैठने का आनंद मिले तो आप सोचिए कितना खूबसूरत पल होगा वो, जिसे मैं एंजॉय कर रहा हूं अभी। दोस्तों शाम के बज गए 6:30 और अब हम जा रहे हैं घर की तरफ, मतलब जहां हम रुके हैं वहां। खूबसूरत व्यू आपके लिए इवनिंग टाइम का आप देख पा रहे होंगे। और आज बढ़िया दोस्तों के साथ एंजॉय किया और वीडियो कैसा लगा वो भी आप कमेंट्स करके जरूर बताना। तो अब हम वापस जा रहे हैं, फिलहाल दोस्तों के साथ बहुत बहुत अच्छा लगा सीरियसली। दोस्तों हम तैयार हो गए, हाथ पैर धुल गए हैं और खाना वाना हो गया और बसंती आज चमचमा रही है, बढ़िया से पार्क कर दिया। तो आई होप आज का ब्लॉग आपको पसंद आया होगा और प्लीज़ अगर मेरा ब्लॉग आपको अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना और कमेंट्स करके ज़रूर बताना कि आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा। तो आज का ब्लॉग हम यहीं पे समाप्त करते हैं। शुभ रात्रि, नमस्ते भारत।